बहुत ही कमाल की किचन टिप्स। नंबर एक, लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन की कलियों को थोड़े समय के लिए गर्म पानी में भिगो दें। फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन छीलेंगी तो बिना किसी मेहनत के ऊपर का हिस्सा काटने से ही पूरा छिलका निकल जाएगा। मिर्ची काटने के बाद अक्सर हाथों में जलन होती है, ऐसे में जलन से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? जिसने भी अपने किचन में हरी मिर्ची या लाल मिर्ची काटी है उसके हाथों में जलन की समस्या अक्सर सुनने को मिलती है। इस पर एलोवेरा जेल, शहद या दही लगाकर जलन को कम कर सकती हैं। नंबर तीन, पनीर बनाने के बाद जो दूध का पानी बचे उससे आप आटा गूंथे रोटी पराठे बहुत ही स्वाद बनेंगी। नंबर चार, लौकी का हलवा बनाते समय अगर लौकी में मलाई डाल के भुने तो हलवा अधिक स्वादिष्ट बनेगा। नंबर पाँच, दही बड़े बनाते समय पिसी हुई दाल में थोड़ा दही मिला के फेंटे, दही बड़े अधिक स्वादिष्ट और मुलायम बनेंगे। नंबर छः, अंकुरित दालों को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए नींबू का रस मिलाकर फ्रिज में रख दें। नंबर सात, कचौड़ियाँ बनाते समय मैदे में थोड़ा सा दही डाल के गूंथे कचौड़ियाँ सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगी। नंबर आठ, दही जमाते समय दूध में थोड़ा सा नारियल का टुकड़ा डाल दें, दही 2-3 दिन तक ताज़ा रहेगी। नंबर नौ, मूंग दाल के चीले बनाते समय दाल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला दें, चीले कुरकुरे बनेंगे। ये बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स है गाइस, आप इन्हें जरूर फॉलो करके देखिएगा। नंबर 10, नींबू का रस निचोड़ने के बाद छिलका फेंके नहीं, छिलके को किसी साफ बर्नी में डालते जाएं, साथ में नमक भी डाल दें, बीच बीच में धूप में रखें, कुछ ही दिनों में नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स है, आप इन्हें ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। तो गाइस अब इस वीडियो का एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ एक और नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।